ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। गुजरात में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने खिलाड़ियों को रवाना किया। दिल्ली के इन खिलाड़ियों को एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने झंडा लहराकर रवाना किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। इसी विश्वास के साथ ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। गुजरात में हो रहे 36वें नेशनल गेम्स में दिल्ली भी अपना दमखम दिखाने निकली है। इन खिलाड़ियों को दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने पूरी उम्मीद और आदर के साथ रवाना किया। नई दिल्ली में ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने इन खिलाड़ियों को झंडा फहरा कर रवाना किया। सतीश उपाध्याय ने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। देखिए, ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे देश में नेशनल गेम हो रहे हैं, गुजरात में होंगे। आज दिल्ली की टीम को हमने सेंड ऑफ किया है। सभी खिलाड़ी खेल भावना से खेलें और दिल्ली नंबर वन स्थान पर आए, ऐसी शुभकामनाएं आज हमने उनको दी हैं। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन एक शानदार काम कर रही है और ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से ही आज सारे खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। जितनी भी स्पर्धाएं हैं उन सभी को हमने, चाहे वो विमेन हो चाहे मेन स्पर्धाएं हो, उन सब में दिल्ली नंबर वन रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं दिल्ली का नागरिक होने के नाते। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स और उनकी टीम ने अपने खिलाड़ियों से उम्मीद की है कि उनकी मेहनत और हिम्मत दिल्ली का नाम रोशन करेगी। कुलदीप वत्स ने कहा कि देश भर में राज्य सरकारें खिलाड़ियों को मदद और प्रोत्साहन देती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इस तरफ से उदासीन है। दिल्ली ओलंपिक गेम्स भी निजी सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी दिल्ली के खिलाड़ी दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। 560 के करीब खिलाड़ी हैं, मैन वुमेन दोनों सेक्शंस में, जो आज कॉन्टिजेंट भाग लेने जा रहा है गुजरात नेशनल गेम्स में। और कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जिसमें ये खिलाड़ी भाग लेंगे? करीब करीब जितनी भी स्पोर्ट्स वहाँ पे हो रही हैं गुजरात में वो सारी हैं स्पोर्ट्स। जो वहाँ पर नहीं हो रही वो नहीं है, बाकी सारी स्पोर्ट्स हैं। अभी हमने आपको कहते हुए सुना कि दिल्ली सरकार की ओर से जो खिलाड़ियों के लिए फंड मिलता है वो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। रुका समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन सारी दिल्ली को पता है कि 7 साल से दिल्ली ओलंपिक, दिल्ली की जितनी एसोसिएशनें हैं, 25-30 एसोसिएशन हैं, किसी को कोई फंड नहीं मिलता। यहाँ पे खिलाड़ियों को हौसला कैसे बुलंद किया? सब लोग स्पॉन्सर से और दूसरे जो लोग खेल प्रेमी हैं जो सहायता करते हैं, कुछ भारतीय ओलंपिक संघ सहायता करती है, उसी से खेल चल रहा है। आज 36वें नेशनल गेम जो कि गुजरात में 29 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं, दिल्ली के तो प्लेस उसमें भागीदारी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सेंड ऑफ सेरेमनी यहाँ पर नई दिल्ली में किया गया, जिसमें लगभग दिल्ली से 390 प्लेयर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 100 के करीब ऑफिशियल्स हैं और लगभग 34 डिसिप्लिन इसमें रहने वाले हैं। तो उन सबको यहाँ से दिल्ली के एनडीएमसी चेयरमैन भूपेंद्र भल्ला जी, वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, दिल्ली के ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ से सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी कि वो जाएं और राष्ट्रीय गेम्स में हिस्सा लें और दिल्ली को अधिक से अधिक मेडल दिलवा के लाएं। और सभी खिलाड़ियों को मेरी ओर से दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात में सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाड़ी खुद को तैयार ही नहीं मान रहे बल्कि उत्साहित भी है।
दिल्ली दर्पण टीवी पर इन खिलाड़ियों ने अपनी भावनाएं साझा की। मैं वुमेन आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स करती हूँ। तो आप कितने प्लेयर हैं? हमारी टीम में 6 प्लेयर्स हैं एंड हम लोग सब, मेरे साथ सिद्धि है, मलिका कुलश्रेष्ठ है, ये सुष्मिता रावत है एंड परिधि जैन एंड समीरा खान। कब से खेल रहे हैं आप? मैम मैं तो 5 years एज से। क्या उम्मीद है आप? क्या मैम? उम्मीद तो हमने टीम की रखी है, हम अपना 100% दे के आएंगे। जो भी हम करेंगे, हम जितना हमने में हार्ड वर्क किया है, हम 100% दे के आएंगे। कितने एक्साइटेड है आप? काफ़ी एक्साइटेड है हम सब। काफ़ी एक्साइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हमारा फर्स्ट नेशनल गेम्स है। हाँ सेम, मतलब मैं तो सबसे छोटी हूँ, मेरा फर्स्ट नेशनल गेम है तो मैं बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कॉम्पिटिशन खेलने के लिए एक्साइटेड है हम सब। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन को उम्मीद है कि इन राष्ट्रीय खेलों में दिल्ली के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में कई मेडल लेकर आएंगे और दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन को अब उनके विजयश्री के साथ आने का इंतजार है। काव्य बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर